तो चलिए शुरू करते हैं। मैं करूंगा इन तो वो अनबॉक्सिंग तो चलिए शुरू करते हैं। डेथ एनिवर्सरी आ रही है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हम आज हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ और आज हम लोग आए हैं लखनऊ के रेजिडेंसी। रेजिडेंसी हिस्टोरिकली बहुत रिच है, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, प्लस ब्रिटिशर्स का भी इसमें है, नवाब का भी है, बहुत कुछ है इसमें। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं रेजिडेंसी। हमारे साथ आज बचपन के दोस्त दानिश खान हैं और हम लोग ने टिकट्स भी ले लिए हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो टिकट्स की बात करें तो टिकट्स 25 रुपीज़ का है, मतलब एक पर पर्सन 25 रुपीज़ का है। सामने रेजिडेंसी की एंट्री है और हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये एंटर होते ही एक ये गेट है जिसकी डिटेल्स यहाँ लिखी हैं। ये बेली गार्ड गेट कहलाता है, जिसको 19th सेंचुरी में, बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में जॉन बेली, जो कि कैप्टन थे ब्रिटिश उसके और रेजिडेंट थे लखनऊ के, उसमें उनके सम्मान में बनवाया था नवाब सादत अली खान में। तो इसमें जब सीज हुआ था, मतलब आगे चलिए हिस्ट्री बताते, सीज का भी नहीं बताते, तो ये भी एक ब्रिटिशर कैप्टन के सम्मान में बनवाया गया था पूरा। और एंटर जैसे ही होंगे, वहीं लेफ्ट में एक मैप है पूरा रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स का कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो ये पूरा मैप है, आप जैसे ही एंटर होगे लेफ्ट में आपको मैप मिल जाएगा। ये सारे स्पॉट जाना ज़रूर, बिकॉज बहुत ही रिच है ये हिस्ट्री। एंटर होते ही ये एक नेटिव ऑफिसर बिल्डिंग है, राइट में ट्रेजरी बिल्डिंग है ये, सामने उस टाइम पे ट्रेजरी बिल्डिंग रही थी। इस वक्त पूरा खंडहर हो चुका है, बट स्टिल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रिजर्व कर रखा है। ये एथिकन्स पोस्ट है और ये किसी की ग्रेव भी है। ग्रेव भी है, आई गेस, यस। कर्नल रॉबर्ट हॉपलिन 18 सितंबर 1887, इनकी डेथ एनिवर्सरी आ रही है। Let's celebrate the death anniversary. तो ये ट्रेजरी ऑफिस था, कुछ पैसे ऐसे बचे हैं यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस में, ऑडिट कर दूंगा यहाँ का। अरे हाँ, ये सीए साहब है तो ये ऑडिट भी कर सकते हैं। देख लियो भाई, कोई हो तो ऑडिट कर लियो, छापा भी मारते हैं ना सीए लोग तो। जगह तो अच्छी है, यहीं पे कर लूं क्या चिल्लर। लेकिन ये यहाँ से एग्जिट का रास्ता गलत है, ऑडिट कैसे होगा, भाग सकता है। क्या अरे कोई अनिकेत भाई है, प्रिया मैम के लिए कुछ बोल रहे हैं। प्रिया मैम ये सब मत करवाया करिए प्लीज। रेजिडेंसी बहुत बड़े स्पेस में बना हुआ है, मतलब कहा जाता था कि इसको, इसमें 3000 के ऊपर से ज़्यादा ब्रिटिशर्स रहते थे अंदर। तो आप सोचिए कितना बड़ा बना होगा ये। अगर आप रेजिडेंसी आ रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट को ज़रूर फॉलो करें कि ग्रास पर ना चलें या फ्रूट्स या फ्लावर्स ये सब ना तोड़ें, बिकॉज कितनी मेहनत लगती है ये सब प्रिजर्व करने में। सामने वॉल पे गोलियों के निशान हैं, सब देख रहे हैं, मतलब भाई साहब जंग बहुत तगड़ी हुई थी। ओके, नहीं लग रही है, मैं डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। ये डॉक्टर फेयर्स हाउस है और दानिश जा रहे हैं अंदर दिखाने, इसकी कुछ हिस्ट्री भी लिखी है। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है डॉक्टर फेयर्स के नाम पर है, जो कि रेजिडेंट सर्जन थे यहाँ पर जब यहाँ पे सीज हुआ था। सही, ये आगे बैंक्वेट हॉल है, उस टाइम पे बैंक्वेट हॉल था, यहाँ खाना होता था और कुछ लोग खड़े भी हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। ये भी खाना खाने आए हैं यहाँ पर। भूख बहुत लग रही है, सुबह 9 बजे किसको भूख लगती है।
गर्मी थोड़ा बात करते हैं रेजिडेंसी की हिस्ट्री के। रेजिडेंसी बेसिकली एक बैटल हुई थी नवाब्स में और ब्रिटिशर्स में, जिसमें नवाब हारे थे, शायद बक्सर में हुई थी। जिसके बाद ये हुआ था कि एक ट्रीटी साइन हुई थी कि लखनऊ के अंदर एक ब्रिटिश रेजिडेंस रहेगा, उनकी एक प्रेजेंस रहेगी, तो उसके बेसिस पे ही इसको बनवाया था। रेजिडेंसी इसको इसी वजह से कहते हैं बिकॉज़ ये ऑफिशियल होम था एक ब्रिटिश जनरल का, जो कि जो पैक्ट हुआ था वो हुआ था नवाब शुजाउद्दौला से, बट इस बनवाना उन्होंने शुरू किया था, बट आसिफुद्दौला के दौर में होते 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 ये नवाब सादत अली खान तक आया था और ये बन के कम्प्लीट हुआ था। खैर, इसको बना दिया गया था, बट 1857 में रिवोल्ट जब हुआ तो पूरे मतलब पूरे इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान जो इस वक्त है वो भी इंडिया ही था, काश अभी भी इंडिया ही होता तो बहुत बड़ा स्टेट होता अपना। तो 1857 रिवोल्ट में यहाँ लखनऊ में जब रिवोल्ट हुआ तो ये सीज ऑफ लखनऊ बन गया था, मतलब इसकी पूरी घेराबंदी हो गई थी और तकरीबन 3 महीने तक ये फाइट चली थी ब्रिटिशर्स से और अपने इंडियन रेबेलियंस, उस टाइम के रेबेलियंस और फ्रीडम फाइटर्स अपने, उनसे फाइट चली थी और गोलियां चली थी, बारूद सब हुआ था, मतलब सारी लड़ाई जिस तरह होती है एक छोटी मिनी बैटल थी वो, और उसमें तकरीबन 3,000 ब्रिटिशर्स, जिनकी यहाँ पर एक पूरी सिमेट्री है और यहाँ ग्रेव हैं, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे जनरल लॉरेंस, पीछे शायद उनके ट्रिब्यूट में ही वो बनाया गया है, तो उनको भी इसी में ही मार दिया गया था। तो अभी आगे आ रहे हैं, यहाँ पे एक फ्लैग दिखा बड़ा सा यहाँ पे होस्टेड है, ऐसा लग रहा है अंग्रेज़ों की छाती पे हिंदुस्तानी फ्लैग गाड़ दिया है यहाँ पे। यहाँ पे लिटरली अंग्रेज़ों की छाती पे गाड़ा गया, हाँ कहीं तो दफन ही होंगे लिटरली कहीं ना कहीं तो यहाँ अंग्रेज दफन है, तो उसके बेसिस पे ही उनकी छाती पे ही थोड़ा गाड़ा है, सही कह रहे हैं दानिश भी। यहाँ पे किसकी ग्रेव है? ये जॉन इंग्लिश। देखिए यार, अंग्रेजों के साथ ये बड़ा इश्यूज हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर खुद ही, इंग्लिश ये मेरे ख्याल से ये यूपी आकर के ना थोड़ा सा यहाँ का वो शायद होगा, शायद किसी जिग्नेश ने लिखा होगा, ये भी हो सकता है जिग्नेश ने लिखा हो जॉन इंग्लिश। यहाँ पर भी जैसे आप देख रही है, यहाँ पर भी ये गोलियों के निशान है, ये सब हैं भाई। लड़ाई तगड़ी हुई है, 3 महीना चली है, मतलब भाई मजा आ गया होगा। लोग आ चुके हैं, ये मेन बिल्डिंग रेजिडेंसी की जो है, शायद यहीं पर ही उनका घर था, जो जनरल थे उनका यहाँ पे घर था, और तब बड़ा घर क्या करते थे, कहाँ रहते थे सब। ये मेन बिल्डिंग है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेन बिल्डिंग थी, और मेन बिल्डिंग के अंदर ही जब सीज हुआ था, जब घेराबंदी हुई थी, तो इसके अंदर ही ये मेन बिल्डिंग के अंदर अंडरग्राउंड कुछ रूम्स बने थे, जहाँ पर लेडीज़ और चिल्ड्रन ने शेल्टर लिया था, और इसी के अंदर ही हेनरी लॉरेंस जब वाउंडेड हुए थे बुरी तरीके से, तो यहीं थे वो। यहाँ पर उस टाइम के इलेक्ट्रिशियन भी आ गए हैं, ये देखिए। यहाँ पर उस टाइम भी इलेक्ट्रिशियन आए हैं। ओह माय गॉड, लेकिन उस टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। रेजिडेंसी म्यूजियम है अंदर, और अंदर वीडियोस अलाउड नहीं है, सिर्फ फोटो क्लिक कर सकते हैं, बट स्टिल हम लोग ने कुछ रिकॉर्ड किया है तो वो दिख सकते हैं अंदर।
तो ये म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो गए हम लोग। ये रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स का पूरा मैप बोल सकते क्या है, जो भी है वो बनाया है। अलाउड नहीं है तो यार, यहाँ वीडियो नहीं अलाउड है। लेफ़्ट वाला फ़ोटो नवाब सादत अली खां का है और राइट वाला नवाब आसफ़ुद्दौला का, और ये फ़ोटो नवाब वाजिद अली शाह का है। इस म्यूज़ियम में उस टाइम का बहुत सी चीज़ें अभी भी रखी हुई हैं, उस टाइम की ओरिजिनल चीज़ें अभी भी हैं। ये स्कल्पचर हेनरी लॉरेंस का है, जिनको इसी रूम में मार दिया गया था। एक कैनन का बॉल आया था और इनको लग गया था और ये यहीं मर गए थे। तो ये है यहाँ का चर्च और सेमेट्री, सेंट मैरी चर्च है और सेमेट्री है अंदर। ये 4 मार्च 1923 को इंतकाल फरमाए थे जनाब जॉर्ज डेमरोमोंट साहब, और इनके ग्रेव पे ये लिखा हुआ है, डेथ डिवाइड्स बट मेमोरी लिंगर्स, दी विल बी डन, रेस्ट इन पीस। मेमोरी पिलर बनाया है उस टाइम के ब्रिटिश रेजिडेंस हेनरी लॉरेंस के, उसमें तो वो टाइम पे लड़ाई के टाइम पे ये कैनन्स वगैरह भी यूज किए गए थे। होगा बारूद रॉकी भाई से मांग लो, उनके पास बहुत है, रॉकी भाई के पास। आज हैं हमारे साथ टेक्निकल दानिश जी और ये करने वाले हैं खास अनबॉक्सिंग। आप किस चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं? मैं करूँगा इन तो अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? करिए अनबॉक्सिंग करिए। इसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा बारूद और एक सुतली पीछे लगाने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने बचपन में कार्टून में देखा हुआ है, और चाहिए होगी माचिस और कुछ जिगर से भी लगा सकते हैं आग, डिपेंड्स आपके जिगर में कितनी आग है। और कुछ एनिमी? एनिमी का हम लोग ऐसी फ्रेंडली भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी है। मैं ऐसे एनिमिटी पे विश्वास नहीं रखता, मेरा मानना है कि सब खुशी खुशी रहो। तो ये बारूद और ये ये तो अरे फायर वर्क्स से हवा में फायर करेंगे ना, धूम। इंडिपेंडेंस डे जा चुका है तो आप रिपब्लिक डे तैयारी कर रहे हैं? वही रिपब्लिक डे पे करते हैं, रिपब्लिक डे पे करेंगे हम लोग इसका, अभी अनबॉक्सिंग को हम लोग तभी करेंगे। ओके, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है। अगर देखनी है तो चैनल पे बने रहिए। गुड बाय। के अंदर इमामबाड़ा और मॉस्क भी है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, देखते हैं। तो रेजिडेंसी के अंदर मॉस्क और इमामबाड़ा भी है। ये नसीरुद्दीन हैदर के टाइम पे ही बनवाया गया था, उनकी वाइफ और उनकी मदर और उनकी स्टेप सिस्टर यहीं एक बेगम कोटी है वहाँ पर रहते थे और उसी के उसमें एडजेसेंट में ही ये मॉस्क और वो इमामबाड़ा बनवाया है। तो मॉस्क भी अच्छी है, ब्यूटीफुल है। ये मॉस्क है और वो साइड में एक इमामबाड़ा बना हुआ है।
तो ये रही बेगम कोटी, और यहीं पे ये एडजेसेंट में एक मज़ार भी बनी हुई है ये कासिम सैयद शाह बाबा की। और कोटी का एंट्रेंस ऐसे कुछ है। और अभी हम लोग ने जो मॉस्क और इमामबाड़ा देखा था वो जस्ट इसके पीछे ही है। तो ये बेगम कोटी है और ये आसिफुद्दौला ने बनवाई थी। बेगम कोटी की बात, ख़ास बात इसमें ये भी है कि ये तीन चार ब्रिटिशर्स ने एक दूसरे को बेचा, उसके बाद जो लास्ट जिनको बेचा था वो थे जॉन कैलेडन को बेचा गया था। जॉन कैलेडन की जो बेटी थी उनसे नवाब नसीरुद्दीन है नसीरुद्दीन की शादी हुई थी। तो जब उनकी शादी हुई थी तो वो यहाँ पर अपनी स्टेप सिस्टर प्लस मदर के साथ यहाँ पर रह रही थी वो। तो ये बेगम कोटी है, यहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम भी लगा हुआ है। ये एक ये हाँ, अरे ये हिलता भी है फ़ोटो फ्रेम। कुछ बोलते भी हैं फ़ोटो फ्रेम? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत रिस्क लेके यहाँ पे खड़े हुए थे, देखिए बहुत रिस्की है ये। बेचारे बैठ गया, चलो बेचारे जानवर को हटा दिया था। तो ये किचन हाउस हम लोग को मिल गया है, तो हम लोग जा रहे हैं अब खाना खाने। और उम्मीद करते हैं व्लॉग आपको पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि दानिश भाई आज साथ में आए। बिल्कुल, तो सब्सक्राइब तो बनता है ना? बनता है। ठीक है, और लाइक 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 सब्सक्राइब कमेंट शेयर शेयर भी शेयर बहुत जरूरी है। अच्छा, शेयर का दाम बहुत बड़ा हुआ है तो ज़रूर करें। राकेश भाई भी जा चुके हैं। हाँ, राकेश भाई भी जा चुके हैं। तो अब हम शेयर जरूर हम लोग देखना पड़ेगा ये सब। हाँ, बहुत शेयर ऊपर हम लोग का भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेयर भी कर, बने रहें चैनल पे ऐसी बहुत सारी और अच्छे कंटेंट के लिए। बैजत भाई बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत कुछ है अभी एक्सप्लोर करने को। तो अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड बाय। थोड़ी ना बैठ गए होंगे, बना करके लो बन गए, बैठो।